उ स्टूडेंट्स अगर मैं एज ऑफ टुडे इन मार्च 2018 का अगर मैं ट्रेंड चेक करूं तो जो आजकल सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है सेल साइड ई कॉमर्स का वो सोशल मीडिया साइट्स हैं और ये किसी से अब इट्स एन ओपन सीक्रेट लेकिन द की क्वेश्चन हेयर इज जो आप सबके दिमाग में आता है कि हाउ दीज वेबसाइट्स लाइक फेसबुक गूगल इंस्टाग्राम इवन व्हाट्सएप ये रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे होते हैं हाउ दे आर मेकिंग मनी क्योंकि हम लोगों के लिए ये तो सारा फ्री है यानी मैं यूज करूं फेसबुक आप यूज करें लिंकड यूज करें इंस्टाग्राम यूज करें वो तो फ्री है लेकिन ये लोग कैसे पैसे बना रहे हैं सो जस्ट टू सिमिलर दिस थिंग जस्ट फ्रॉम टू थाउजेंड टेन जो फेसबुक के यूजर्स हैं वो अराउंड जीरो बिलियन थे बट दे कीप ऑन इंक्रीजिंग कीप ऑन इंक्रीजिंग

ये फिगर चेंज होंगे ये मार्च 2018 के लेटेस्ट फिगर हैं ये जो फिगर है ये देख के आपको ये समझ आ रही होगी कि हाउ बिग द चंक ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन कम्युनिटी वी हैव सो फॉर अब मैं अगर फेसबुक की जो इको है सो मी टेल यू कि फेसबुक का जो मैं इकोसिस्टम कह रहा हूं मैं इकोसिस्टम किसको बोल रहा हूं नाउ व्हेन वी से फेसबुक इट्स नॉट ओनली फेसबुक व्हाट्सएप इज ओन बाय फेसबुक ग्रुप मैसेजर जो फेसबुक के अंदर आता है वो उसका पार्ट है इंस्टाग्राम इज ऑल्सो प्रक्योर्ड बाई पर आप कह लें फेसबुक तो सिर्फ फेसबुक के यूजर मंथली जो एक्टिव यूजर्स हैं वो टू पॉइंट वन बिलियन यूजर है यानी अगर अर्थ की पॉपुलेशन सात बिलियन है तो यू कह लें वन इन एवरी थर्ड परसन इज यूजिंग फेसबुक व्हाट्सएप के जो एक्टिव मंथली यूजर्स हैं, वो 1.5 बिलियन हैं। बिलियन है जो जो फेसबुक का मैसेंजर है हम यूज करते हैं, उसके जो एक्टिव मंथली यूजर हैं, वो 1.3 बिलियन है और जो इंस्टाग्राम है विच इज वेरी फास्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया वेबसाइट या ऐप, उसके जो यूजर्स हैं, वो 800 मिलियन है तो इफ आई सम इट विल रफली बी अराउंड सिक्स बिलियन यूजर्स इन फेसबुक फेसबुक इकोसिस्टम लेकिन सरप्राइजिंगली मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ आई डोंट हैव टू पे मैं व्हाट्सएप मैसेज यूज कर रहा हूँ आई डोंट हैव टू पे मैं मैसेंजर यूज कर रहा हूँ एज अ यूजर इट्स फ्री फॉर मी मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ इट फ्री फॉर मी लाइक वाइज लिंग देन भी मेरे लिए फ्री है गूगल तो है ही फ्री लेकिन क्वेस्चन ये कि हाउ दे आर अर्निंग मनी एक बहुत मशहूर फ्रेज है कि फेसबुक या ऑनलाइन जो ये सोशल मीडिया आ, आ, के पोर्टल्स हैं दे सेल नॉलेज अभी आपको सुनके बड़ा के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं नॉलेज सेलिंग की बात मैं नॉलेज किसको बोल रहा हूं आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ जो नॉलेज है वो क्या है मैं फेसबुक पे गया मैंने फेसबुक के ऊपर फॉर एग्जांपल एक फेसबुक के पेज के ऊपर क्लिक किया फॉर एग्जांपल मुझे इंटरेस्ट है फुटबॉल के अंदर तो फुटबॉल से रिलेटेड किसी पेज पे मैंने क्लिक कर दिया अब मैंने तो अब मतलब सिर्फ क्लिक किया हो सकता है मैंने आगे जाके मैसी के पेज पे क्लिक पे 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 किया हो रोनाल्डो के पेज पर पे क्लिक पे 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 किया हो या वर्ल्ड कप देखा होगा वर्ल्ड कप के मैचेस कब हो रहे हैं या ला लीगा के मैचेस कब हो रहे हैं वॉट इज दिस दिस इज माई बिहेवियर ये मेरा ब्राउजिंग करने का बिहेवियर है तो दिस इज नॉलेज यानी जो जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं एक्चुअली मेरा क्लिक मेरा बिहेवियर नोट हो रहा है फेसबुक के डेटाबेस के अंदर अब आपका क्वेश्चन ही होगा कि ओके okay, हमने फेसबुक ने ये क्लिक स्टोर कर लिया नॉलेज स्टोर कर लिया हाउ दिस नॉलेज इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड इन टू देयर रेवेन्यू सो दे आंसर इज दे सेल दिस नॉलेज मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी फॉर uh, एग्जाम्पल uh, कोई ऐसी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है हु सेल फुटबॉल फॉर एग्जाम्पल या हु सेल शर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और द शर्ट ऑफ डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल क्लब्स लालीगा की जो डिफरेंट टीम्स हैं वो वो किन को टारगेट करेंगी वो उन कंज्यूमर को टारगेट करेंगी जो जिनका इंटरेस्ट है जिनका बिहेवियर पैटर्न है इस तरह की चीजों को सर्च करने का जो वो सेल करते हैं सो वे दिस थिंग विल कम दिस थिंग विल बी गिवन टू देम बाय द क्लिक्स विच फेसबुक इज हैविंग इन दियर डेटा बेस सो लाइन इज सो जो आपको समझने की जरूरत है कि पहली चीज नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड पहला नंबर टू फेसबुक सेल योर क्लिक्स सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि फेसबुक क्लिक सेल करेगा हाउ मतलब अगर मैंने एज अ कंपनी कोई चीज फेसबुक पे एडवर्टाइज करनी है आई विल पे फेसबुक आई विल आस्क फेसबुक के जो मेरे प्रोडक्ट हैं उसके इंटरेस्ट की ट्रैफिक मेरे पेज पे राउट करो मेरा एक फेसबुक का पेज है या एक वेबसाइट है जहां मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट अपने डिस्प्ले किए हुए ऑल आई नीड इज ट्रैफिक मुझे कस्टमर की जरूरत है मैं कस्टमर कहां से परचेज करूंगा क्योंकि फिजिकल कस्टमर तो है नहीं आई एम सिटिंग ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट तो मेरे पास कस्टमर कहां से आएगा मेरे एक्चुअल्पल फुटबॉल के पेज के ऊपर तो फेसबुक मुझे वो क्लिक सेल करेगा एंड इट विल चार्ज मी पर क्लिक फॉर एग्जाम्पल या अपर यूजर साइट वो कहेगा जी एक्स अमाउंट मुझे आप मंथली दें या एक कंपेन में दें देन आई विल राउट वाई अमाउंट ऑफ क्लिक्स और यूजर टू योर वेब पेज और योर फेसबुक पेज या जो भी आप उसे यू आर एल देंगे सो द इश्यू इज के अब फेसबुक की जो uh, आप कह लें रेवेन्यू है वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ क्लिक्स जितने ज्यादा होंगे उतना रेवेन्यू उनका ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ क्लिक कैसे ज्यादा होंगे नंबर ऑफ क्लिक ऐसे ज्यादा होंगे कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक की कम्युनिटी के ऊपर लेके आएंगे सो नाउ लेट मी टेल यू के फेसबुक का एक्चुअल गोल क्या है फेसबुक का जो गोल है वो ये कहते हैं कि वी वॉन्ट टू कनेक्ट पीपल अक्रॉस कि फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा है वो किसी अफ्रीका के बंदे से कनेक्ट हो गया एंड दे आर टॉकिंग टू इच अदर एंड दे आर फ्रेंड्स दे यू नो बिजनेस कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं इसे हो क्या रहा है एक्चुअली अगर आप बिगड़ पिक्चर देखें इसे हो यह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं अब फेसबुक का प्लेटफॉर्म सिर्फ फेसबुक का प्लेटफॉर्म नहीं है ना साथ व्हाट्सएप में भी आएगा मैसेंजर में भी चांस है वो आए इंस्टाग्राम में भी आएगा एंड सो ऑन सो अगर सात अरब की आबादी है दुनिया की और अगर दो ढाई अरब लोग ऑलरेडी फेसबुक पे हैं तो दैट मीन के थर्टी परसेंट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी ऑन फेसबुक और दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर तो जितने ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे आएंगे उतने ही ज्यादा चांस है कि फेसबुक वो ट्रैफिक सेल करेगा क्योंकि जो कंपनीज हैं वो तो ढूंढ रही होती हैं मीडियम जहां पे वो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करें ताकि ऑडियंस रीच आउट हो कभी अगर आप नोट करें कि जो ये Uh, जो बैनर्स लगते हैं जो फ्लैक्स लगते हैं इफ यू विल ड्राइव और वॉक बाय द रोड तो जो फ्लैक्स होता है वो बेसिकली जो भी गुजर है वो एक भाई देख रहा है तो अगर ज्यादा लोग गुजरेंगे तो ज्यादा फ्लैक्स लोग देखेंगे इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगा हुआ है उसका बिकने का चांस ज्यादा है अब इसको कंपेयर करें जरा फेसबुक से फेसबुक में uh, जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो हजारों में नहीं है वो बिलियंस में है तो इसका मतलब कि मार्केट प्लेस बहुत ज्यादा है तो इसी वजह से उनके जो रेवेन्यूज हैं वो आपके बिहेवियर पे डिपेंडेंट है और जिसको वो लोग नॉलेज बोलते हैं वो एक्चुअली मेरे और आपके वो क्लिक्स हैं जो मैं न्यूज फीड के ऊपर करता हूं या किसी वेब पेज के ऊपर करता हूं या किसी फेसबुक के पेज के ऊपर करता हूं दे स्टोर एवरी क्लिक इन देयर डेटाबेस बिकॉज दे आर सेलिंग दैट क्लिक टू जनरेट रेवेन्यू फॉर देम सेल्फ उनका बेसिक जो थीम है वो क्लिक्स को सेलेक्ट करते हैं टू डिफरेंट कंपनीज